हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ होटल जैसा एकदम परफेक्ट पनीर कटलेट की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं घर पे होटल जैसा पनीर कटलेट। पनीर कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गर्म किया। पैन में डाल देंगे 2 चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को 15 से 20 सेकेंड के लिए कुक कर लेंगे। जैसे हमारा जीरा कुक हो जाएगा इसमें मैं डाल दूं 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे। हरा मिर्च जैसा आप तीखा खाना पसंद करते होंगे कम ज्यादा डालें। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी कुछ सब्जियां, जैसे कि मैं डाल दूं 1 छोटा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 ग्रेट किया हुआ गाजर और 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। सारी सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ जिससे हमारी सब्जियाँ जल्दी कुक हो जाए। आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच डाल दूँ मैं कश्मीरी चिली पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अभी ये जो सब्जियाँ हमारी इनफ कुक हो गई है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। सारी सब्जियों को हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ पनीर को ग्रेट करके लिया है। जो पनीर कटलेट बनाते हैं पनीर का ध्यान रखना होगा हमें कि जो हमारे पनीर है बिल्कुल भी मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, एकदम उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए। या तो फिर अगर आपको डाउट है कि हमारे पनीर में थोड़ी बहुत नमी है तो उसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर ले, या फिर उसे कॉटन के कपड़ों पे डाल करके अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ ले। तो ये मैंने 200 ग्राम्स ऑफ पनीर लिया है। इसमें मैं बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ सफ़ेद ब्रेड को, मैंने पानी में भिगो करके निकाला है। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मेरे पास घर में ब्रेड अवेलेबल था इसलिए मैंने ब्रेड डाला है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का आलू। बॉईल करके हमने इसे ग्रेट करके ले लिया है। थोड़े से डाल देंगे बारीक चॉप किए हुए हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते डालने से कटलेट में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर अभी तक आपने कभी ये ट्राई नहीं किया तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो जरूर एक बार डाल करके इसे ट्राई करें। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है पुदीने के पत्ते से। इसमें मैं डाल दूंगी ये हमारी कुक की हुई सब्जियां। हमने हल्दी पाउडर डाला था, इसमें कश्मीरी चिली पाउडर डाला था। अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और हमने नमक सब्जियों को कुक करते वक्त डाला था लेकिन हमने इसमें आलू और पनीर बाद में ऐड किया है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें या फिर 1 चम्मच। सभी चीजों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे एकदम डो के फॉर्म में ले आएंगे। तो सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी इसे साइड में रख देते हैं या फिर आप इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रीज में डाल दें अगर पॉसिबल है तो इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रीज में डाल देते हैं, तब तक बाकी के प्रिपरेशन कर लेते हैं। जब तक कि कटलेट का डो रेस्ट कर रहा है तब तक एक बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बोल में मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें मिला देंगे 2 चम्मच मैदा। ये मैंने बड़े चम्मच से भर के लिया था तो ये नॉर्मल चम्मच से 2 चम्मच मैदा है। इसमें डाल देंगे 1 पिंच नमक। पानी डाल करके मिक्स करके इसका पतला बैटर तैयार करेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का बैटर हमने तैयार किया है। इसे साइड में रखते हैं। कटलेट के मिक्सर को मैंने फ्रीज से निकाल लिया है। अभी इसके छोटे छोटे बॉल्स पहले बना लेंगे और आप जिस शेप का कटलेट बनाना चाहते हैं, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, डायमंड शेप, आप उस शेप का कटलेट बना सकते हैं। पहले से राउंड शेप में बना लेंगे।
ये देखिए मैंने राउंड शेप बना लिया। सिमिलरली बाकी सारे को राउंड शेप दे देते हैं एक बार। तो यहाँ पे अभी मैंने टोटल 8 कटलेट बना करके रेडी किया है। मैं आपको इतने कटलेट्स को रेडी करना बता देती हूँ। इस कटलेट को आप रेडी करके ब्रेड क्रम्स में कोट करके आप इसे रख सकते हैं फ्रिज में, और जब भी आपका मन करे आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं। तो एक कटलेट को लेंगे और ये जो हमारा मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल है इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्स के ऊपर ले आएंगे। ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एक कटलेट रेडी हो गया है। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। सिमिलरली सारे कटलेट को रेडी कर लेंगे। कटलेट को मैं फ्राई करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कटलेट को आप रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं और आगे भी जब आपका मन करे इमीडिएटली आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये 2 से 3 दिन तक चलता है। तो टोटल 8 कटलेट अभी मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो आज मैं इसे सेलो फ्राई करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक पैन में मैंने 1/2 कप डाला है तेल। पैन जो है हमारा मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए, फ्लेम को स्लो नहीं करेंगे। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कटलेट्स। बहुत ज़्यादा कटलेट एक बार में नहीं डालेंगे, ओवर क्राउड हमें नहीं करना है। एक साइड को फ्राई करते हुए 2 मिनट्स हो गया है, तो एक बार इसका साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि एक साइड से हमारे कटलेट हल्के गुलाबी हो गए हैं, दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेक लेंगे। अभी वापस से एक बार कटलेट को चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारे कटलेट्स हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। दोनों साइड मैं आपको पलट के बता रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से सिक गए हैं। तो अभी इसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालते समय फ्लेम को स्लो कर देंगे और सिमिलरली बाकी के बैचेस भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पनीर कटलेट बना के रेडी कर लिया है। ये दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो मेरे बताए तरीके से एक बार ये पनीर कटलेट जरूर बनाएं, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। मैं आपको यहाँ पे एक कटलेट तोड़कर बताती हूँ अंदर की स्टफिंग कितनी मज़ेदार है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आगे आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।